नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भर्ती 2020 के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, आप लोगों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2020 के ट्रेड अप्रेंटिस के फॉर्म भरे थे जो कि 10वीं पास निकाले गए थे। तो इस पूरी वैकेंसी में आपका कोई भी लिखित परीक्षा तो नहीं होनी, लेकिन आपकी 10वीं के मेरिट के आधार पर आप लोगों का इसमें चयन होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कट ऑफ कि आखिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेड अप्रेंटिस की जो भर्ती निकली थी उसमें ITI वाले और नॉन ITI वालों के लिए कितने कितने परसेंटेज में काम हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश होगा वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें, और आप हमें अपने अपने नंबर कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हम आपके लिए जो डिटेल में कट ऑफ तैयार कर सकें। साथ ही आपसे गुजारिश होगा वीडियो को दोस्तों के शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों को वीडियो का अपडेट मिल सके, और इसी प्रकार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान दबा दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कट ऑफ की ऑफिशियल साइट पे, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप आसानी से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और कट ऑफ भी देख पाएंगे। जैसे ही आप इस वैकेंसी की साइट पर जाएंगे, यहाँ पे आप लोग को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कट ऑफ के लिए आपने जो भी अलग अलग ट्रेड में फॉर्म डाला होगा उस ट्रेड के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ उठेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूं जिसमें आपकी सारी फैक्ट्री का ओवरऑल कट ऑफ होगा। इससे कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अलग अलग फैक्ट्रीज का अलग अलग कट ऑफ जाना है। अगर किसी ने जबलपुर में डाला है, किसी ने कानपुर में डाला है, तो हर एक जगह का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, यह आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूँ। यदि आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लोगों के मार्क्स 72 से लेकर 78 के बीच में है, यानी कि परसेंटेज 10वीं में इतनी है, तो आपके पूरे पूरे चांस है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC में 68 से लेकर 73, SC में 63 से लेकर 68 और ST में 58 से लेकर 63। यदि आप लोग नॉन ITI से हैं तो आप लोगों का चयन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फिर बताऊँगा कि आपने जो भी फैक्ट्री में फॉर्म डाला है उस फैक्ट्री के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको इतना ही देखने को मिलेगा। वहीं बात करें यहाँ पे जो ITI वाले हैं उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो ITI वालों का कट ऑफ नॉर्मली नीचे ही जाता है। तो सामान्य के लिए 65 से लेकर 70%, OBC में 60 से लेकर 65%, SC में 56 से लेकर 60% और ST में 50 से लेकर 55% तक आपका ITI विभाग की ओर से जाएगा। यहाँ टोटल आप लोगों की 6030 वैकेंसी निकाली गई थी। इन पूरी वैकेंसी के लिए जो औसतन आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आपकी परसेंटेज बेस पे होगा, आपको पता है। वहीं पर आप लोगों की यहाँ पर ITI वालों के लिए ITI की भी परसेंटेज चेक की जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अंदाज़ा ये आपकी 10th की परसेंटेज का है। अगर इतनी परसेंटेज आपकी है तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का चयन हो सकता है। फिर भी ऑफिशियली जो रिजल्ट आएगा उसकी हम जानकारी आपको दे देंगे। तो आपसे गुजारिश होगा चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पल पल की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो जाएँ।